पूर्व विदेश सचिव से सीधा विदेश मंत्री बने एस जयशंकर को जब से मोदी सरकार की टीम में जगह मिली है तब से सवालों का दौर तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि संसद की दहलीज पार कराने के लिए सरकार उन्हें कहां से मैदान में उतारेगी, किसी लोकसभा का उपचुनाव लड़वाएगी या फिर सीधा राज्यसभा पहुंचाएगी। इन सब के बीच अब सरकार ने कुर्सी बचाने के लिए राज्यसभा की सदस्यता को ही चुना है और वो भी उस क्षेत्र से जो बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। मोदी सरकार पार्ट टू में कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी टीम में एंट्री से हर कोई चौंक गया। उनमें से एक नाम है एस जयशंकर। उन्हें सीधे विदेश मंत्रालय की कमान ही सौंप दी गई। अब सवाल उनकी संसद में सदस्यता को लेकर उठ रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो ना तो लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा के, इसलिए उनके कैबिनेट पद को बरकरार रखने के लिए अब सरकार उन्हें गुजरात से राज्यसभा भेज सकती है। दरअसल अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कोटे से राज्यसभा की दो सीटें खाली हुई हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें गुजरात से राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है। हालांकि चर्चा तो पहले तमिलनाडु की थी लेकिन वहां AIADMK से मुलाकात में बात नहीं बन सकी। सूत्रों के मुताबिक NDA के सहयोगी के पास चार राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद इनमें से एक सीट बीजेपी को देने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन AIADMK हार के बाद छुटने को तैयार नहीं। ऐसे में दक्षिण से द्वार बंद होने के बाद अब बीजेपी गुजरात से गुजरने का प्लान बना रही है। वो एस जयशंकर को गुजरात से राज्यसभा का सांसद बनाकर उनके केंद्र में कुर्सी बचा सकती है, क्योंकि अगर 6 महीने से पहले ऐसा नहीं किया गया तो मोदी के पसंदीदा मंत्रियों में से एक एस जयशंकर से विदेश मंत्री का पद छीन लिया जाएगा। वहीं कुर्सी बचाने की चुनौती न सिर्फ एस जयशंकर के सामने है बल्कि LJP के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के सामने भी है। इसलिए मोदी सरकार उन्हें बिहार से ही राज्यसभा का सांसद बनाने का फैसला ले सकती है। बिहार से रविशंकर प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हुई है, इसलिए वहां से उनका जीतना आसान है। खैर अभी तो सिर्फ कयास लग रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या कैबिनेट की कुर्सी के लिए इन कयासों पर मोहर लगेगी या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।